अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नादिया लियाकत एंड टुडे आई एम टेलिंग यू हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस इन योर कंप्यूटर्स। टर्बो सी प्लस प्लस इज़ अ ओल्ड लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट्स बेटर फॉर यू टू इंस्टॉल ऑन लैपटॉप्स और योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। As you are seeing, my display screen is 32 bits Windows 7 and I am installing Turbo C++ on my computer. Here is the setup you are watching, Turbo C++ 3.2. I am just writing the setup. It's basically a zip folder. When you double click on it, you see some files here. First, install the driver or major settings of Turbo C++. For example, अगर आपका computer Turbo C को, अगर आपकी जो windows है, operating system जो है वो Turbo C को support नहीं कर रहा, तो ये better है कि आप इसको पहले अपने computer में install कर लें, ठीक है? जैसे कि ये already मेरे computer में install है, so ये मुझसे पूछेगा कि do you want to allow the following program to make changes to the computer. अगर मैं yes कर दूंगी तो ये इसको दोबारा से मेरे computer में install करेगा. जो उसका process है, वो जो उसका procedure है, वो बिल्कुल simple है. आप इसको बड़े आराम से अपने computer के अंदर install कर सकती हैं. Like मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ आप लोगों को guide करने के लिए. तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इसकी जो files हैं वो extract हो रही हैं मेरे computer की D drive के अंदर. जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आई है कि आपने इसको रिपेयर करना है या आपने इसको रिमूव करना है. अगर मैं इसको रिपेयर करूँगी तो फिर ये, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें इंस्टॉल है, लेकिन क्योंकि आपने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है, सो आपके लिए सिंपल इंस्टॉलेशन मेथड आ जाएगा. आप नेक्स्ट नेक्स्ट करती जाएंगी और फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगी. उसके बाद आते हैं, जब ये इंस्टॉल आपके कंप्यूटर में हो जाएगा तो आपने टर्बो सी को इंस्टॉल करना है, ठीक है? टर्बो सी का जो सेटअप है वो आपके सामने डिस्प्ले है. जिस तरह से अभी डॉट नेट की ऑप्शन थी कि आप उसको मॉडिफाई करें, रिपेयर करें या रिमूव करें, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे भी ये तीनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो टर्बो सी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. सो मैं नेक्स्ट करती हूँ ताकि ये मॉडिफाई हो जाए और मैं फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करती हूँ. उसके बाद मैं यस पे क्लिक करती हूँ और बस सिंपल ये इंस्टॉलेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है. टर्बो सी जो है मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है और अब आपको ये नज़र आ रहा है कि इसका ये टर्बो सी प्लस प्लस का आइकन. सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरे सामने इसकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट पेज है वो शो हो जाएगा. मैं स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस करूँगी तो इसका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा. फाइल पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे इसकी जो एडिटर है, इसका टेक्स्ट एडिटर है, वो खोल के सामने आ जाएगा. यहाँ पे लिखा हुआ है नो नेम 00.cpp. जो भी फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी उसकी जो बाई डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन जो है वो .cpp है. टर्बो सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज इन दोनों के लिए यूज़ होता है. सो हम इसमें सी लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं और सी प्लस प्लस को भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के कोड्स में डिफरेंस होता है. इसलिए जो फीचर्स सी प्लस प्लस के हैं वो सी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकती, जो सी लैंग्वेज के फ़ीचर्स हैं वो सी प्लस प्लस नहीं यूज़ कर सकती. इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी फ़ाइल को सेव करना है C.C एक्सटेंशन के साथ. बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास फाइल का नाम noname.cpp है. मैं बैक स्पेस करके इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, ठीक है? मैंने सारे पाथ को रिमूव नहीं किया ताकि मेरी जो फ़ाइल है मैं उसको चेक कर सकूँ कि वो प्रॉपर तरीके से सेव है. वो कहाँ पे सेव हो रही है? सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी के फोल्डर में एक और फोल्डर है बिन, वहाँ पर जाके मेरी फ़ाइल जो है वो सेव हो रही है. मैं फ़ाइल का नाम यहाँ पर रखती हूँ nadia.c. उसके बाद मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करती हूँ तो मेरी फ़ाइल जो है
वो सेव हो जाएगी। और आपको नज़र आ रहा है टॉप पे नादिया डॉट सी जो है मेरी फाइल का नेम है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, डायरेक्टरीज जब तक आपके कंप्यूटर में नहीं बनी होती, आपके कंपाइलर जो है वो आपके कंप्यूटर की लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जो है वो लिंक नहीं कर पाता। और जब आपके कंप्यूटर का कंपाइलर लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक नहीं क्रिएट करेगा तो वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे डायरेक्टरीज को चेक कर लेना है। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे जो ये आपके सामने सेटअप जिसके थ्रू मैंने टर्बो सी को इंस्टॉल किया है, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टरीज को क्रिएट कर देता है। सो आपको बजस चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये एज इट इज ऐसा लिखा आ रहा है, जैसे इंक्लूड हेडर फाइल लिखी हुई आ रही है, लिब हेडर फाइल लिखी हुई आ रही है, ये सोर्स जहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो जहाँ पे डिस्प्ले होगी और जहाँ पे आपकी फाइल जहाँ पे जाके सेव होगी, ये सारा जो है वो पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कहते हैं पाथ, पाथ या उनके घर का एड्रेस, आप आसान अल्फाज में इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं ओके प्रेस करती हूँ। जो भी मैं इस फाइल के अंदर लिखूँगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक मैं अपना फर्स्ट फंक्शन प्रोग्राम लिख रही हूँ, void main, void main, main क्या है, मेरे पास main फंक्शन है सी लैंग्वेज के लिए जो यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो सी एल आर एस सी आर फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है बच्चों, ये यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, कि जो इससे पहले आउटपुट्स चली हुई हैं इस कंप्यूटर के अंदर वो आपको डिस्प्ले ना हो। सिंपली जिस तरह एक आप वाइट बोर्ड को साफ करके न्यू डाटा उसके ऊपर राइट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ये भी आपके बोर्ड को, आपकी स्क्रीन के बोर्ड को साफ कर देगा। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में लिखती हूँ वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जो भी अल्फाबेट्स लिखेंगे वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो सी लैंग्वेज का अपना कोड है वो तमाम का तमाम जो है वो केस सेंसिटिव है। सो आपने जो इसके कीवर्ड्स हैं और जो इसके सिंटैक्स है उसको लिखने का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि वो स्मॉल लेटर्स में हो। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप जो भी लिखेंगे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। वो क्या, ये जो भी मैंने लिखा, ये मैंने एक सी स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, और जो मैंने बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन जो है उसको लिखा है, उसके बाद एंड पे मैं लिख रही हूँ गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन का क्या पर्पज़ होता है, ये आपकी स्क्रीन पे आपकी आउटपुट को डॉस स्क्रीन के ऊपर होल्ड करके रखता है जितनी देर तक आप चाहें। अगर आप इस फंक्शन को नहीं लिखती हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आउटपुट एक सेकेंड के अंदर पलक झपकते ही आती है और गायब हो जाती है। आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या डिस्प्ले हुई थी। ठीक है, अच्छा, कीबोर्ड से मैं F2 का बटन प्रेस करती हूँ जो कि शॉर्ट की है फाइल को सेव करने की। आपको सामने स्क्रीन पे शॉर्ट की शो हो रही हैं, कंपाइल की शॉर्ट की जो है वो Alt प्लस F9 है, और फाइल को एग्जीक्यूट करवाने की या रन करवाने की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल प्लस F9 है। यानी कि ये दो बटन इकट्ठे प्रेस करने होते हैं। कंपाइल मेन्यू पे भी जाके आप फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। लाइक मैंने अपनी फाइल को कंपाइल किया, इस डायलॉग बॉक्स को ज़रा गौर से देखिए, इसमें मेन फाइल नेम लिखा हुआ रहा है नादिया डॉट सी, ये सी लैंग्वेज की क्योंकि एक सोर्स फाइल थी। कंपाइल हो गई, इसकी कंप्लीट कंपाइल हुई, इसकी जो लाइंस थी, नंबर ऑफ लाइंस थी, वो टोटल 6 थी। कोई वार्निंग नहीं है, ज़ीरो वार्निंग एंड ज़ीरो एरर। अगर कोई एरर क्रिएट करती मैं, अगर कोई मैं मिस्टेक करती तो यहाँ पर एरर ज़रूर शो होना था, जैसे कि मैं अब यहाँ पर करने लगी हूँ। मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ और कंपाइल करती हूँ, तो मेरे सामने आ गया कि जी दो लाइंस का कोड है और एक एरर है। हालांकि मेरे पास तो 6 लाइंस का कोड था। वो क्या हुआ कि जब मैंने मेन फंक्शन को लिखा और मेन फंक्शन के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन लगा दिया तो उसने बाकी कोड को रीड ही नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट से ही स्टॉप कर दी। जब आप एक टॉपिक को स्टार्ट करते ही फुल स्टॉप लगा देंगे तो फिर उसकी पैराग्राफ रीडिंग तक तो नहीं ना जा पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब अगर आपने मेन के बाद फुल स्टॉप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, जो कि
सी लैंग्वेज का फुल स्टॉप होता है तो आपको एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे भी एरर जनरेट करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट का जो पी है वो आप कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ। F2 का बटन प्रेस किया, फाइल को ओवरराइट किया। अब मैं इसे कंपाइल करती हूँ तो उसने मुझे ज़ीरो एरर दिया है, लेकिन वार्निंग में उसने मुझे, जब मैंने फाइल को रन किया तो उसने मुझे एक एरर शो कर दिया है। क्यों? और अब वो कह रहा है कि जो प्रिंट एफ सिंबल है ये रॉन्ग है, ठीक है। अब एरर को रिमूव करने के लिए मैंने पी को दोबारा स्मॉल लेटर्स में किया, फाइल को ओवरराइट किया, दोबारा से इसको कंपाइल किया। तो आप देखिए ज़ीरो एरर्स, फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में, सोर्स फाइल जो है ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट हो गई और मेरे पास आउटपुट लिखी हुई आ रही है, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग। कीबोर्ड से बैकस्पेस का बटन प्रेस करूँगी तो मैं डॉस मोड से एग्जिट हो जाऊँगी। इसको क्लोज करने के लिए क्विट या आर्ट प्लस एक्स को मैं प्रेस करूँगी तो मैं इसके जो सेटअप है उसमें से एग्जिट हो जाऊँगी। आई होप सो बच्चों, आप लोगों को इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बो C++ और इसमें किस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और जो इसका सेटअप है टर्बो सी का, वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।